बाबा संभव असंभव असंभव संभव कब कैसे होगी बाबा? अभी ये बात संभव लग रही है कि असंभव लग रही है कि इतने ज्ञान में एडवांस में चलने वाले इतना छाती ठोक के कहने वाले ये सब विपरीत बुद्धि हो जाएंगे, विनश्यंती हो जाएंगे, पर इनका लक्ष्मी नारायण के मुकाबले विनश्यंती हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण एक ही बनेंगे कि सब बन जाएंगे? ये तो बाकी का पद विनाश, विनाश को पावेगा या नहीं पावेगा? पावेगा। फिर तो ये संभव है कि असंभव? लगता है असंभव, लगता है असंभव है, लेकिन लेकिन असंभव भी संभव होगा। अगटे तो घटता ने दुर्घटी करोती, और बाबा वो लक्ष्मी नारायण कौन बनाने वाले है जान गए है ना? कौन जान गए? आप जान गए? हाँ बाबा जान गए। फिर तो बाबा ने कहा नारायण को याद करते रहो, ये सबसे बढ़िया पुरुषार्थ है। है ना? इशारा दिया बाबा ने, इशारा दिया। हाँ बाबा ने बोला कि नारायण को याद करना सबसे सहज और सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। फिर अरे विश्व का मालिक इनको मिल गया, विश्व के मालिक को जान गए। अब ये बैठे कहाँ, इनसे पूछो। यह कहाँ बैठे हो? विश्व का मालिक तो रोटी दाल नहीं दे पाता है। क्या काय के लिए बैठे? विश्व का मालिक तुमको प्यार नहीं करता है? करता है? कितना? बहुत। बहुत माने कितना? बहुत। अरे बहुत माने तुम्हारे परिवार वालों के मुकाबले कितना? बहुत। अरे बहुत 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 कर रहे। परसेंटेज में ज्यादा करता है कि कम करता है? ज्यादा करता है। तो फिर वहां के बैठे हुए हैं? अरे फिर ये भी ध्यान रखना कि बहुत प्यार करता है परिवार वालों को छोड़ छाड़ के तुम वहां भाग खड़े हो, और कल अखबारों में और टीवी में बम चक मचे और फिर तुम भाग खड़े हो। अरे ये तो हम मुगालते में आ गए थे। ऐसे डर तो नहीं लग रहा है? नहीं। लग रहा है तभी तो नहीं छोड़ के भाग रहे। और ऐसे थोड़े ही सब उठ के माउंट आबू चले जाएंगे, कुछ प्राप्ति होगी, कुछ दिखाई देगा, तब चले जाएंगे। अभी चलेगा? अभी कोई जा रहा है? आप जाते हैं तो सभी जाएंगे। आप जाते हैं? हम तो जाते हैं, हम नहीं जाते। बाबा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सभी मंदिरों को, सभी मस्जिद को सब वो बुलडोजर लाकर गिराएंगे, नास्ते गवर्नमेंट आ जाएगी। अब आ रहा है, वो बोला है, इसका लिंक क्या है? इसका लिंक ये है कि पहले सूर्यवंशी गवर्नमेंट चलती है दुनिया में, फिर चंद्रवंशी चलती है, फिर इस्लामियों का राज्य, फिर बौद्धियों का राज्य, ऐसे नंबरवार क्रम से अंत में जाकर के नास्तिकों का राज्य होना चाहिए कि नहीं हिंदुस्तान में? होता है। तो बस जब नास्तिकों का राज्य, नास्तिकों के हाथ में राजा ही आ जाएगी, सो ही मारामारी हो जाएगी, खून खराबा हो जाएगा, महावारी महाभारत गृहयुद्ध हो जाएगा, खौफनाक मौत है भारतवासियों की।
ऐसे थोड़े ही घर बार छोड़ करके भाग जाएंगे। चलो ले लो प्रॉपर्टी माउंट आबू में, चलो वहीं जाएंगे। बाबा अष्टदेव सजा नहीं खाते, पर जो अष्टदेव सजा नहीं खाते, चर्मराज का सजा नहीं, अष्टदेव नहीं खाते हैं। जो नवा होगा वो सजा खाता है, खाएगा। वो कौन सा धर्म का होगा, वो कौन होगा? अब गिन लो ना, आठ गिनो, आठ धर्म अच्छे से, अच्छे आठ धर्म गिनाओ जिनकी राजाई चलती है, चली है, गिनो। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम छोड़ दिए, मुस्लिम, सिख, सिख हो गया। यही आस्तिक है, यहां तक आस्तिकपना है, भगवान को मानते हैं। इसके बाद आज समझ तो भगवान का साकार रूप मानते ही नहीं, साकार रूप नहीं है माने भगवान है ही नहीं, और नाम रूप से परे है, नाम रूप से परे कोई चीज होती नहीं। कौन होगा बाबा? हमको, हम तो जानते हैं ये सबसे श्रेष्ठ है, ये जगदम्बा, लक्ष्मी माता, ब्रह्मा, श्रेष्ठ आत्मा को जानते हैं, उनमें कौन होगा या नष्टदेव या इनमें कौन होगा जो नौवा होगा? जरूर नष्टदेवों में से कोई दो हिस्से हो जाएंगे, कोई नष्ट देवों में से ऐसा नष्ट देवता है जिसके दो छेड़े होते हैं तो एक नास्तिक बन जाता है, एक आस्तिक बनता है, वो कौन है? आर्य समाज, क्रिश्चियन, क्रिश्चियंस के दो छेड़े होते हैं, एक आस्तिक गुर्जागरों को मानता है और एक बाइबल को मानता ही नहीं, कैथोलिक मानते ही नहीं, वो आत्मा को मानते ही नहीं, परमात्मा को मानते ही नहीं, स्वर्ग को मानते ही नहीं, नरक को मानते ही नहीं, जो कुछ है सो यही है। वो कैसे अष्टदेव में आ जाएंगे? बाबा ये वायु देवता कौन सी धर्म का है? जो विचरण करता रहता है, है? हाँ। है ऐसी हवा फैलाता है, वायु कभी दुर्गंध छोड़ती है चारों ओर और कभी कभी सुगंध छोड़ देती है चारों तरफ। संसार में कभी शिगुफे उड़ाए जाते हैं, कोई झूठी बात चारों तरफ संसार में फैला दी जाए तो हवा फैल जाती है, नहीं ऐसा ही कोई होता है। और जैसे कि दुनिया में तूफान आ गया हो, बोलते रहो कुछ कुछ, पांच मिनट तक नहीं बोलेंगे क्लास खत्म हो जाएगा। अंदर अंदर गुटखा खाने से तो अच्छा है, बोल देना। धर्मराज का शिक्षा कब से चालू होता है? शिक्षा सजा, बाप प्रत्यक्ष होगा और धर्मराज सजा शुरू।
धर्मराज का पाठ है कौन सी आत्मा का? नहीं मालूम? धर्मराज का पाठ है कौन सी आत्मा का? ब्रह्मा का। धर्म की धारणा सबसे जास्ती किसने की? धारणा का ज्ञान सबसे ज्यादा कौन सी आत्मा में? धारणा का ज्ञान कौन सी आत्मा दे रही है गुलजार दादी में? ब्रह्मा जी से दे रही है। धारणाओं की बातें जितनी ब्रह्मा बाबा ने बताई हैं इतना दुनिया में किसी ने अभी तक नहीं बताई होंगी। तो धारणाओं का राजा माने धर्म का राजा। वो तो सही छोड़ते थे धर्मराज मेरा राइट हैंड है। हाँ, इसे तो आपने बताया। हाँ, बाप ने बता दिया धर्मराज मेरा राइट हैंड है। ये और को राइट हैंड है? वो लेफ्ट हैंड है? राइटिस काम करने वाला है कि लेफ्टिस काम करने वाला है? राइटिस काम करने वाला है। ब्रह्मा शरीर लेकिन उनका तो शरीर नहीं है। फिर कौन से भैंसे सवार होंगे? भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना धर्मराज भैंसे पर सवार। वो भैंस बुद्धि कौन है? अरे शास्त्रों में कोई भैंसा का रूप दिखाया गया असुर को? कौन है भैंसासुर? महिषासुर सिंह दिखाए जाते हैं उसको। है उसकी पत्नी भी जरूर सिंह वाली होगी। उसकी पत्नी ऊंटनी होगी कि भैंस ही होगी? भैंसा की भैंस ही होगी? महिषी। वो भी भैंस बुद्धि होगी। बेहद में महिषी कौन है? बेहद में महिषी। भैंस के आगे बीन बजाओ है? सांप तो डांस करने लग पड़ता है, भैंस डांस करेगी? उसके ऊपर कोई असर नहीं होता बीन का। शिव बाबा आते हैं ब्राह्मण की दुनिया में? आते हैं कि नहीं आते हैं? गीता ज्ञानामृत सुनाते हैं। उस गीता ज्ञानामृत का मुरली का कोई असर उनके ऊपर पड़ता है? किसके ऊपर नहीं पड़ा? जगदम्बा के ऊपर नहीं पड़ा? जगदम्बा के ऊपर तो सबसे पहले पड़ा। नहीं इतने निकलते कहां से? जगदम्बा को थोड़ी भैंस बुद्धि कह सकते हैं। गंगा है? गंगा भैंस बुद्धि है। उसने तो सबसे पहले एडवांस ज्ञान सतोप्रधान स्टेज में लिया है। वो पहले नंबर की कन्या है जिसने सबसे पहले एडवांस ज्ञान को उठाया है। उसको तुम भैंस बुद्धि कहोगे? एक ही आत्मा पूरे परिवार में है ऐसी, और दूसरी तो कुछ न कुछ सुनने और मानने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसके ऊपर कोई असर नहीं। मरते मरते मर गई, शरीर छोड़ गई, लेकिन तस से मस नहीं हुई। तो भैंस उठती है तो भैंसा नहीं होगा है? होगा या नहीं होगा? वो भी होगा।
मर्दिनी दिखाते हैं बाबा, महिषासुर मर्दिनी होती है, वो तो होती है देवी बाबा। वो तुलसी पूजा के साथ वो आंवला का हावला का लकड़ी भी रख के पूजा करते हैं ये बाबा, वो यादगार क्या है बाबा? बेहद त्रिफला होता है, जो जो भी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उसमें सबसे नंबर वन और सबसे सस्ती दवाई कौन सी है? त्रिफला। त्रिफला कौन कौन से फलों से बनता है? उन तीन फलों में से कौन सा फल सबसे जास्ती तादाद में मिल जाता है, सहज मिलता है, सस्ता मिलता है? केला। जो त्रिफला में वो तीन फल हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला। उन तीन फलों में से कौन सा फल ऐसा है जो सहज सारे इंडिया में मिलता है? आंवला। आंवला हाँ, बहुत तादाद मिलता है। तो तीनों देवताओं में से कौन सा देवता ऐसा है जिसकी पूजा ऑल इंडिया में मिलती है, सारी दुनिया में मिलती है? जगदम्बा की पूजा होगी, जगदम्बा की पूजा की बात बता रहे हैं ना, तुलसी की पूजा की बात बता रहे हैं ना, तो तुलसी है, तुलसी है तो तुलसी के साथ कौन है? जगत पिता भी। और तीसरा फल क्या है बाबा? तीसरा अरे हरड़, बहेड़ा, आमला। हरड़, हरड़ हरड़ होती है काली काली छोटी सी, उसको भूनो तो मोटी हो जाती है। हाँ, तेल निकालते हैं ना, हरड़ का तेल ही निकालते हैं। उसका उसका पाउडर करके रात को खा जाओ तो खूब अच्छी तरह पेट साफ हो जाएगा। है हरड़ा नाम मालूम कैसे पड़ा? क्या क्रिसमस ट्री के बारे में? क्रिसमस ट्री के बारे में क्या है? वो भी सजाते हैं बाबा, वो घंटा भी रहता है, डमरू भी रहते हैं छोटे छोटे, वो सब लगाते हैं वो ट्री में। ठीक है। और हरड़, हाँ हरड़ नाम क्यों पड़ा? है नहीं हर हर माने एक होता है हरी और एक होता है हर। शिव शंकर। हाँ हर कहते हैं, हर हर बम बम, जो पापों का हरण करने वाला है माने शंकर है। तो वो शंकर है, दुनिया में किसी की प्राप्ति के लिए अड़ता नहीं है, एक की प्राप्ति के लिए अड़ जाता है। कौन है? जगदम्बा के लिए अड़ जाता है। दै? पार्वती के लिए, जैसे पार्वती की आड़ रहती है क्या बड़ा शंभु न तो रहो कुंवारी, ऐसे ही शिव की भी आड़ रहती है कि मुझे शक्ति ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जिसके लिए वो अड़ता है उसका नाम पड़ा हरड़।
वो दूसरा फल है। बाबा शंकर जी को वृक्ष का मिल में वृक्ष का मिशन में वृक्ष का मिशन में शंकर जी को वृक्ष का मिशन में सेकंड स्थान देते आता है, सूर्य का मिशन में सेकंड को आता है। कैसे तो ब्रह्म स्वरूप मुझे है मध्या ने तो महेश्वर संध्या सदा विष्णु प्रेमोत्ता दिवाकर इसमें सेकंड स्थान आता है शंकर को ब्रह्म स्वरूप मुझे है मध्या ने तो महेश्वर सेकंड स्थान आता है। वृक्ष का मिशन में तीन साल तीन स्टेज में आता है। कैसे तो मूल तो ब्रह्म रूप आया मध्य तो विष्णु रूपिणी अग्र तो शिव रूप आया स्टाफ को गया शंकर जी। वो क्यों इनका प्रश्न किसी ने समझ लिया? किसी की समझ में इनका प्रश्न आ गया? शंकर भी है ऐसा एक मंत्र है बाबा। क्या उदाहरण क्या मंत्र है? और श्लोक बता रहे हैं। हाँ उसमें पहला नंबर में शिव का आता है लास्ट में मध्य में शंकर का आता है। ऐसा पहला शिव मध्य में शंकर हाँ। और लास्ट में विष्णु लास्ट में विष्णु तो ठीक तो आता है। पहले नंबर आत्मा है कौन? जिसके बगैर कुछ भी नहीं है वो है तो दुनिया में सब कुछ है। वो नहीं तो कुछ भी नहीं। कौन है वो? शिव। और दूसरा नंबर कौन है? शिव कब है? शंकर है तो शिव है। शंकर नहीं शिव नहीं तो शिव नहीं तो मध्य में। और दोनों आकर के करते क्या है? नहीं विष्णु की राजाई बनाते हैं विष्णु का राज्य स्थापन करते हैं विष्णु को कुर्सी पर बैठा देते हैं। वो तीसरा है अग्रस्थान शिव को आता है। अग्रस्थान शिव को है ऊंचते ऊंचे शिव बाबा। ओ शकुंतला पार्ट जगदम्बा की है ना? शकुंतला पार्ट पार्ट दारी जगदम्बा है ना? फिर ओ अंगूठी को हप करने वाली वो पार्ट भी मछली की पार्ट भी जगदम्बा की क्या? शकुनी शकुंतला शकुनी शकुनी कहते हैं पक्षी को। और तला माने नीचे नीचे माने पक्षियों के नीचे रहने वाली। जो पक्षी होते हैं उड़ते हैं तो उड़ने वाली परियां होती है ना? कौन कौन सी परियां गाई हुई हैं? तीन परियां गाई हुई हैं। तुम ज्ञान परियां हो। परियों में तीन मुख्य परियां कौन सी हैं इंद्र के दरबार में? हैं? अरे परियों के नाम ही नहीं मालूम। मेनका हाँ तो मेनका है रंभा है उर्वशी है तो उनमें बड़ी कौन है? मेनका बड़ी है। जरूर वो एडवांस में पहले आई होगी। उससे पैदाइश हुई किसकी? शकुनीतला की। तो उसे कहेंगे शकुंतला। पहले सरेंडर कौन हुआ? नहीं जगदम्बा सरेंडर नहीं हुई पहले। हाँ मेनका पहले सरेंडर हुई फिर मेनका से है? मेनका को किसने मेनका ने किसको रुझाया?
अरे मेनका ने किसी की तपस्या भंग की कि नहीं की? विश्वामित्र कौन है विश्वामित्र? सारे विश्वकर्मी कौन है? शिव बाबा तपस्या भंग कर दिया। शिव की तो तपस्या भंग होती ही नहीं, शंकर की हुई होगी, उसकी तपस्या भंग हुई तो फिर किसकी पैदाइश हुई? शकुंतला की पैदाइश हुई। तो किसका हुआ पार्ट? बाद में वो मछली बन पार्ट हो गया, बाद में अंगूठी शकुंतला की अंगूठी हक कर लेती है मछली, मछली के रूप में वो मछली पार्ट जगदम्बा का पार्ट। मछली ने जो हप कर लिया अंगूठी को, अंगूठी कौन है? अंगूठी चैतन्य होगी या जड़ होगी? कौन है अंगूठी? लक्ष्मी। अच्छा माने लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी माँ। हाँ लक्ष्मी माँ अंगूठी हुई। अच्छा तो अंगूठी किसके पास थी? शिवमित्र के पास नहीं, दुष्यंत के पास। दुष्यंत कौन है? सारे दोषों का अंत करने वाला कौन है? शुभम। तो दुष्यंत के पास अंगूठी कौन सी है? हाँ हाँ आत्मिक की स्थिति में रहने वाली अंगूठी कौन सी है? अरे अंगूठी किसे कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है? आत्मा तो हम भी हैं, हम कहाँ अंगूठी है? अंग उठी माने जवान औरत को अंगूठी कहा जाता है, जो सदैव जवान ही रहती है, कभी भी बूढ़ी नहीं नहीं होती। वो कौन है? लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी दी थी यादगार कि याद रखो इसे, वो नहीं याद रखी, वो खो गई। तालाब में स्नान करने गई, कहीं नदी में स्नान करने गई, वो नदी में अंगूठी बह गई। किसने खा ली? है मछली ने खा ली। मछली में सुगंध आती है कि दुर्गंध आती है? दुर्गंध आती है। दुर्गंध क्या चीज है? ना देवान तो सारी दुनिया में सब में है, सब मछली है क्या? है मछली, मछलियों में कौन सी आदत खास होती है? मछली की जाति में कौन सी ऐसी आदत है जो खास होती है और दूसरी जातियों में नहीं होती, दूसरी योनियों में नहीं होती? अपने बच्चों को खाना। हाँ मछली जो है छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, तो ये आदत होती है मछली। तो जो शकुंतला है दुर्गंध मछली में आती है ना, और मछलियां ज्यादा कहां पाई जाती हैं?
समंदर में ज्यादा मछली पाई जाती है। समंदर कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा की याद में कौन डूबा रहता है? पार्वती को तो मिला ही नहीं याद में, वो पहचानती नहीं तो याद में कहां से डूबेगी? लक्ष्मी जगदम्बा। हाँ जगदम्बा, जगदम्बा जो है वो सदैव याद में डूबी रहने वाली है। लेकिन ऐसा भी टाइम आता है कि मछली का रूप धारण कर लेती है, जिसे मत्स्यावतार कहा जाता है। एक ऐसा भी टाइम आएगा कि सारी दुनिया को हप करके वो मछली बैठेगी। देवियां तो हैं, उनकी डूबी जा तो होती है, लेकिन देवियों में मुख्य देवी कौन सी है? जगदम्बा। तो जगदम्बा सारी देवियों की मुखिया होगी कि असिस्टेंट होगी? सारी देवियों की मुखिया होगी। जब होगी तब होगी, लेकिन उससे पहले कभी ऐसा भी तो टाइम आता है कि दुर्गंध बहुत आती है। जैसे दुनिया वाले ब्रह्मा के नाम से ही एकदम उचक जाते हैं, ये क्या तुम्हारा ब्रह्मा भगवान है? ऐसे ही नाम लेते ही उचक जाएंगे, है ये जगदम्बा है। माने दुर्गंध छूटे चारों तरफ। तो जो भगवान की बनती है, जो तुलसी दल भगवान पर चढ़ाया जाता है, तब तो वो दुर्गंध वाली नहीं होती। फिर जब कहीं व्यभिचारिणी बन जाती है तो दुर्गंध तो निकलेगी, तो वो मछली हो गई, देह अभिमान ने हप कर लिया। ये ज्ञान में तो ये बताया जाता है कि लक्ष्मी ही सर्वोपरि है, लेकिन बुद्धि में अज्ञान बैठा होता है, देह अभिमान बैठता है, तो फिर वो ऊंचाई दिखाई नहीं पड़ती उसकी। नहीं मानते कि लक्ष्मी ऊंची, सारा काम हमने किया, सरेंडर हम हुए, इतने ढेर सारे के सारे सरेंडर हमारे पीछे हुए, और नंबर ले जाएगी लक्ष्मी, ये कैसे हो सकता है? ये देवहन आया और गए। यही हाल मेनका का होता है, यही हाल रंभा का होता है। एक पार्ट महाकाली पार्ट जब शुरू होता है तब? हाँ महाकाली पार्ट शुरू होता है, जब महाकाली पार्ट शुरू होगा फिर तो संपूर्ण ऊंची स्टेज में पहुंच जाएगी। महाकाली तमोप्रधान पार्ट? तमोप्रधान पार्ट है, लेकिन मस्तक में कौन दिखाया जाता है? हाँ, जब वो निश्चय पूर्वक याद पक्की हो जाए, अंदर से एक और बाहर से दूसरा, हाथी के दांत चबाने गया और हाथ दिखाने गया। और मैंने देहा भी मन, लक्ष्मी आने के बाद नहीं हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब लक्ष्मी आ जाएगी मैदान में, फिर तो ये बात सच्ची साबित हो जाएगी कि लक्ष्मी ही ऊंची चीज है। उससे पहले होगा? हाँ जी। वसुदेव के दो पत्नियां है ना? हैं? वसुदेव के दो पत्नियां है, वो देवकी और रोहिणी। रोहिणी पाठ किसका? देवकी कहाँ रहती है? जेल। तो जो एडवांस में ब्राह्मणों की दुनिया है, उन ब्राह्मणों की दुनिया में वो देवकी अभी अभी भी दुनिया में कांटों के जंगल में होगी, जेल में होगी या स्वतंत्र होगी? जेल में, वो विकारों की जेल है, उस जेल में देवकी पड़ी हुई है। तो कौन हुई देवकी? जगदम्बा नहीं, प्रेम। हाँ,
रोहिणी रोहिणी नक्षत्र कौन पैदा होता है उससे बलराम बलराम को भगवान कहते हैं या भगवान का भाई कहते हैं भगवान का रामायण में साथ ही दिखाया गया वहां भी भाई है लेकिन वहां छोटा भाई और महाभारत में बड़ा भाई बड़ा किसे कहा जाता है छोटा का किसे कहा जाता है जो पहले जन्म लेता है उसे बड़ा कहा जाता है जो बाद में जन्म लेता है छोटा यहाँ जन्म लेना का अर्थ क्या है जन्म लेना माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो पहले पहले किसका जन्म होगा किसकी प्रत्यक्षता होगी चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भोला एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं तो कौन सी आत्मा है जो पहले पहले पावन बनती है कृष्ण वाली आत्मा पावन बनती है फिर किसका नंबर लगेगा है दूसरा नंबर किसका होगा राम का वो हो गया भगवान वो बड़ा भाई हो गया वो छोटा भाई हो गया छोटा भाई संगम भी कृष्ण हो गया वो बलराम हो गया उनका हथियार कौन सा था हल क्या होता हथियार हल कोई किसी ने देखा हथियार चलाते हुए कान का किसी युद्ध में देखा नहीं किसी युद्ध में देखा कि कोई हल लेकर के लड़ाई लड़ रहा हो गदा अलग चीज है हल तो जमीन में चलाया जाता है गदा तो पीठ में मारा जाता है मस्तक में मार दो बांह तोड़ दो जांघ तोड़ दो हल कहां चलाया जाता है धरणी में धरणी किसको कहा जाता है कन्या माता है क्योंकि धरणी है अभी बलराम और कृष्ण दोनों साथ साथ है एक ही शरीर में है या अलग अलग है एक ही शरीर में दोनों आत्माएं हैं उन दोनों आत्माओं में हल्लर कौन है जो हल चलाता है धरणी में कृष्ण की आत्मा हल चलाती है सुदर्शन चक्कर चलाती है कि वो हल चलाती है सारा गड़बड़ कर दिया अरे कृष्ण की आत्मा का मुख्य है जो शस्त्र है वो सुदर्शन चक्र है या हल है सुदर्शन चक्र है चक्र है हाँ सुदर्शन ये विचार सागर मंथन ये उनका असली अस्त्र शस्त्र है और बलराम का हल तो जो हल चला रही है आत्मा जो इतनी ग्लानी उड़ रही है संसार ब्राह्मणों की दुनिया में और बाहर की दुनिया में वो हल चलाने वाली आत्मा कौन सी है राम की आत्मा है या कृष्ण की आत्मा है अरे मंदिर में बैल किसको दिखाया गया ब्रह्मा को बैल दिखाया गया तो बैलबाजी बैल करेगा या कि राम वाली आत्मा करेगी वो हल्दर है वो कृष्ण है और बाबा रोहिणी पार्थ किसका पता नहीं चला बाबा जगदम्बा है क्या किसके द्वारा पैदाइश किसके बुद्धि रूपी पेट से पैदाइश होती है लक्ष्मी जिसे आपने बलराम कहा वो किसके पेट से पैदा होता है खत्म बात हो गई कौन हुई रोहिणी फिर सुभद्रा है ना बाबा बहन वो कृष्ण की बहन है वो यशोदा और नंदा की पुत्री है क्या रोहिणी की पुत्री
वो सब शास्त्रों की बातें हैं, ज्ञान की बातें करो। एक एक शास्त्रों की बातों को उठा करके लफड़े में पड़ने से बुद्धि खराब हो जाएगी है। आगे चल करके बाबा की ऐसी वाणी चलेगी, सारी बातें अपने आप क्लियर होंगी। ये कौन है, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, शास्त्रों में जितने भी नाम है सारे इकट्ठे करके ले आओ और बाबा की क्लास में पूछना शुरू कर दो। और बाबा ये कृष्ण का सगा दिखा दे है ना, आठ आठ भाई है, वो सब असरे भाई क्या? तुम्हें बेसिक में नहीं बताया गया कि सतयुग में कृष्ण जन्म लेगा तो वहां सतयुग में कितने लक्ष्मी नारायण जी फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे? आठ, आठ ही तो होंगे। तो कृष्ण की बात कितने और हुए? सात हुए ना। हाँ, बस सात नारायण है। वो आधार मूर्त है, वो बीज रूप है। और बोला ये कर्ण की पार्ट पहले होगा या यमराज का पार्ट पहले होगा? किसका? कर्ण की दर। करण की दर, कलंक की दर। रामायण के राम और कलयुग के कलंकी दर, ये एक ही आत्मा है कि अलग अलग है? तो इनका टाइम एक ही होगा या पहले और बाद में होंगे? एक ही, एक ही है। अभी तो बताया नई दुनिया पुरानी दुनिया का संगम है, पुरुषोत्तम संगम है। जैसे बाप आते हैं, कब आते हैं बाप? सती को आते हैं, त्रेता में आते हैं? नहीं, पुरुषोत्तम संगम में। संगम तो वो संगम कब है? एक्यूरेट संगम का एक्यूरेट मिनट, एक्यूरेट सेकंड, एक्यूरेट वर्ष, एक्यूरेट महीना कौन सा होगा? वो अभी जानते हैं। नहीं, तुम्हें तुम एग्रीगेट है, तुम्हें पता तो लग गया ना कहाँ पर होगा? 36 में अंत तक अंत होगा कि बीच में होगा कि आद में होगा, सन 76 होगा, किसे कब कहेंगे? अभी बता दिया कि कलंकी दर अवतार कलयुग में गाया हुआ है, कलयुग का अंत होगा तो कलंकी दर होगा। तो शूटिंग पीरियड में कलयुग का अंत कब है? जब नई दुनिया आती है सतयुग। सतयुग का फाउंडेशन कब से लगता है? 2004 से फाउंडेशन लगा, सतयुग आ गया। सतयुग पहुंचे नहीं तो आ गए ना? आ गया तो सतयुग नहीं पहुंचे। अरे अभी तो बताया नई दुनिया पुरानी दुनिया का संगम कब होता है? 2018 17 के आसपास होगा। तो जिस समय नई दुनिया आई माने सतयुग आया, और कलयुग अंत हुआ, वो ही कलयुग का अंत है, वो ही उसके कलंक की धरती प्रत्यक्ष होने का टाइम हो गया, उसी को कलंक की दर कहेंगे, उसी को कृष्ण कहेंगे, उसी को राम कहेंगे। बाबा 40 वर्ष तो
बेसिक में हुआ, ऐसे ही 40 वर्ष एडवांस में भी होगा ना, 76 लेकर 2016 तक का वही 40 वर्ष एडवांस में भी होगा क्या? तो नहीं हुआ, हुआ तो हुआ फिर ऐसे ही 2016 में बाप का प्रत्यक्षता होगा क्या? हाँ हो सकती है, जैसे 76 के लिए बोला था, सन 76 जो आता है हो सकता है उससे पहले भी प्रत्यक्षता हो जाए। और बस टाइम हो गया, टाइम हो गया।